पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी में क्रूज चलाया जा रहा है। अब क्रूज राइड की डिमांड बढ़ गई है। काशीवासी और पर्यटकों का रुझान क्रूज की तरफ बढ़ रहा है। जल्द इसे विंध्याचल धाम और प्रयागराज तक चलाया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू कर दी है। यहां से फ्लाइट प्रतिदिन मिलेगी, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण कराने के उद्देश्य से धाम में वीआईपी और वीवीआईपी जलार्पण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर के सेवादारों को जल्द ही घर मिलेगा। इसके लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार से मंजूरी ले ली है और बजट भी पारित हो गया है। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव शुरू हो गया है। भक्तों को 15 दिनों तक हिंडोले पर दर्शन देंगे ठाकुर जी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के दूसरे फेज का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधाएं मिलने लगेंगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य धाम को परशुराम तीर्थ सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें एक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद आने वाले समय में यहां धार्मिक पर्यटन को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बनाया जाने वाला गंगोत्री यमुनोत्री धाम सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए शासन को रिपोर्ट सौंपी गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। उत्तराखंड के श्रीनगर में जल्दी मरीन ड्राइव एलिवेटेड बाईपास रोड बनाई जाएगी। इससे शहर में पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ेगी, साथ ही ये रोड चारधाम यात्रा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। यहां अर्घा के माध्यम से लोगों ने बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित किया है। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर महाकाल मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाबा महाकाल की तीसरी सवारी भी शाम 4 बजे निकाली गई, जो शिप्रा घाट तक गई। देश भर में आज धूमधाम से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विशेष विधान है। इस मौके पर रात 12 बजे ही नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। ये मंदिर साल में एक दिन नाग पंचमी के मौके पर ही खोला जाता है। श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इस क्रम में पहले फेज का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्द ही फेज 2 और फेज 3 का काम शुरू कर दिया जाएगा। श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। 5 एकड़ में रामलला का मंदिर और 20 एकड़ में अन्य मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी में पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सके और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। IRCTC स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के जरिए लोगों को 9 रात और 10 दिनों में जगन्नाथ पुरी, गंगा सागर और कामाख्या मंदिर के दर्शन कराएगी। ये ट्रेन 10 नवंबर को इंदौर जंक्शन से रवाना होगी। इसके लिए भक्तों को 16,950 रुपए चुकाने होंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थित बाबा भोरम देव मंदिर में सावन मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए कई विशेष इंतजाम किए हैं। 2025 में होने वाले कुंभ से पहले प्रयागराज में करीब 55 करोड़ की लागत से लाइट मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण जल्द ही जगहों का सर्वे कराएगा। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 2 नए पर्यटन मार्ग खोलने की तैयारी कर रही है। इसके बाद से पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।